नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का बीजेपी सरकार पर भारी हंगामा। संसद में कृषि बिल पर भी तकरार देखने को मिला। दोस्तों विपक्ष पार्टी के सांसदों ने मोदी सरकार के सांसदों को संसद में कहीं का नहीं छोड़ा। बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि MSP सहित अन्य मुद्दे भी लंबित रहेंगे, जारी रहेगा किसान आंदोलन। दोस्तों बात करेंगे दोनों खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन पर दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि बिल पर विपक्ष ने दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया। इसी बीच मोदी सरकार सोमवार को ही कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक पेश कर रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के कई सांसदों ने अपने अपने सदनों में नोटिस भेजा है। लोकसभा में कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित करने और MSP मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए सदन में स्थगन कर नोटिस दे दिया। नोटिस में चौधरी ने कहा कि सरकार को कानूनी गारंटी के साथ सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। इसके साथ विपक्ष ने कृषि बिल पर चर्चा की मांग कर भी भारी हंगामा किया, जिसके चलते दोनों ही सदनों की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। ऐसा ही नोटिस मणिकम टैगोर ने राज्यसभा में भी दिया। माकपा के बिनोय विषम ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में निलंबन का नोटिस दे दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 2067 के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चर्चा की मांग करते हुए बिजनेस नोटिस का निलंबन भी किया। बता दें कि तेलंगाना में फसल खरीद को लेकर TRS सांसद के केशव राव ने लोकसभा में और राज्यसभा में निलंबन नोटिस दे दिया है। बता दें कि तेलंगाना में फसल खरीद को लेकर TRS सांसद के केशव राव ने राज्यसभा में निलंबन नोटिस दे दिया। उनका नोटिस फसलों की खरीद न होने पर केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण फसल खरीद नीति पर चर्चा करने को लेकर, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए सरकार सोमवार को लोकसभा में द फार्म लो प्रिपील बिल 2021 पेश करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी निचले सदन पर पेश करने वाले। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि MSP सहित अन्य मुद्दे भी लंबित रहेंगे, जारी रहेगा किसान आंदोलन। 3 कृषि कानूनों की वापसी बिल लोकसभा में पास होने के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा है कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि MSP कानून समेत कई अन्य मुद्दों पर अब बात किए जाने की चर्चा है और जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि लोकसभा से 3 कानूनों की वापसी के बिल पारित होने को भी हम उन 750 किसानों को समर्पित करेंगे जो आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। बता दी कि संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानूनों का बिल वापसी प्रस्ताव पेश किया जो पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में जब नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करने वाले थे तब विपक्ष ने चर्चा की मांग पर हंगामे की कोशिश की। इसके बाद स्वीपर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। दोस्तों आपकी क्या राय इस खबर को जानकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वाली खबर में।